अब जैसे मान लेते हैं कोनिक सेक्शन की अगर बात की जाए, जो अलजेब्रिक फंक्शन में दूसरे तरह का फंक्शन आपका है, थोड़ा बहुत देख लो कोनिक सेक्शंस में, तो मान लो कि मेरे पास कोई तो एक ऐसा कोन था, है ना, कुछ इस तरह का, ऐसे कोन मान लो, इस तरह का कोन है, इस तरह का एक कोन है। अब इस कोन में से जैसे मान लो कि मैं एक ऐसे पेपर अगर है मेरे पास, तो मैं अच्छा चलो ठीक है, मान लो कि एक प्लेन लो और उस प्लेन से ऐसे इसको काट दो, काट के देखोगे सामने से तो क्या दिखेगा, काट के ऊपर से देखोगे तो क्या दिखेगा, कटा हुआ सब कुछ को काट के देखोगे सर्कल दिखेगा नहीं। तो मतलब एक बात तो समझ में आती है कि एक ऐसा प्लेन लिया इस तरीके का, देखो किस तरह का, एक इस तरीके का प्लेन लिया और इस प्लेन के थ्रू काट दिया, मतलब कोई भी एक ऐसा प्लेन जो कि एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन था, अगर काटेंगे तो जो जो आपका सरफेस एक जनरेट होगा, जो आपका शेप जनरेट होगा, सरफेस नहीं, जो आपका शेप जनरेट होगा, क्या वो सर्कल होगा जिसका रेडियस घटते चला जाएगा, यस और नो? मतलब इससे हम सर्कल जनरेट कर सकते हैं बाय सेक्शनिंग इट, यस और नो? सो दैट इज व्हाट यू कॉल सर्कल। ओके, अब इस प्लेन को थोड़ा सा घुमा दो किसी पर्टिकुलर एंगल पे, 90 डिग्री पे मत रखो, कुछ ऐसा प्लेन ले लो, ऐसे काटो, इस तरीके का प्लेन लेके काटो, बोलो अब क्या दिखेगा, ऐसे काटोगे तो इस तरीके से दिख रहा है, कुछ इस तरीके का शेप दिखेगा कटा हुआ, समझ आ रही है बात, समझ आ रही है बात, ऐसा, ये सर्कल नहीं है बेटा, बेसिकली दिस इज अ चपटा सर्कल, दिस इज अ डिस्टॉर्टेड सर्कल, यस और नो? इसको कहते हैं एलिप्स, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये ग्रेविटेशन वगैरह में, क्योंकि वहां पे जो भी आपने पढ़ा है केपलर लॉ क्लास 9th में, कि जो भी सैटेलाइट जो पाथ लेते हैं, वो ऑर्बिट का जो पाथ होता है वो कैसा होता है, एलिप्टिकल पाथ होता है, नाम सुने हो ना, हाँ, सो दिस इज डिस्टॉर्टेड सर्कल और इसको कहते हैं एलिप्स। इन सबके बारे में बहुत इन डिटेल्स आप लोग पढ़ोगे मैथमेटिक्स में, बट चूंकि थोड़ी सी जरूरत है इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं। अच्छा, अब मान लो कि कुछ इस तरह के, ये तो ऐसे शेप से हमने इसको काट डाला, बोलो क्लियर है, सर्कल और एलिप्स समझ में आ रहा है, मतलब कोनिक सेक्शन समझ में आ रहा है, कोनिक सेक्शन एक ऐसा शेप है जो कि एक कोन को सेक्शन करने पे मिलता है, बात समझ पा रहे हो, हाँ, ओके, पहले इन दोनों को उतारो फिर आगे चलता हूं। अब देखो आओ क्या है इसी में, अगर इसी कोन को आप इस तरीके से काटो, ऐसे काटो, इस प्लेन के थ्रू ऐसे काट दो, तो यहां पे कुछ इस तरह का शेप जनरेट होगा, कट के आएगा, अगर आप पेपर लो इसको ऐसे काटो, इस तरीके से काटो, दोनों सर्फेस से मत काटो, ऐसे काटो एक ही सर्फेस से, तो ये जो शेप जनरेट होगा दिस इज कॉल्ड पैराबोल। बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि पैराबोला जो है वो एलिप्स का ही एक स्पेशल केस है, हुज वन फोकस इज एट इंफिनिटी, मतलब आपको मैथमेटिक्स से पढ़ाया जाएगा, ठीक है, ये एंगल जो भी था, ये एंगल अल्फा है आपका, ये एंगल बीटा है जिस एक्सिस से कट किया गया, अगर इसको और स्लैंट मार दो, मान लो ऐसे ऐसे भी कोन था, इसको और स्लैंट ले लो, बीटा को अल्फा से छोटा कर लो और अब काटोगे तो अब ये दो जगह कट करेगा, है ना, एक इस पे और एक इस पे, तो इस पे जो शेप जनरेट होगा वो कुछ इस तरह का शेप जनरेट होगा और इस पे भी शेप जनरेट हुआ होगा, समझ आ रही है बात, समझ आ रही है बात, तो दिस इज व्हाट यू कॉल हाइपरबोला। मेरे को सिर्फ ये बताना है आपको, बाकी सबका डेफिनेशन जो है एनालिटिकल डेफिनेशन भी अलग अलग है कि पैराबोला जो है वो किस तरह का लोकस बनाता है, हाइपरबोला किस तरह का होता है, बट इस तरह के जो शेप जनरेट होते हैं वो शेप जो है वो एक कोन से आप जनरेट कर सकते हो, इसीलिए इनका नाम दिया गया है कोनिक सेक्शन, बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है, ओके। अब जैसे मान लेते हैं कुछ कुछ बातें आपको मैं बता देता हूं, जैसे बाद में जब ग्रेविटेशन पढ़ाऊंगा तो वहां पे बताऊंगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर एनर्जी जो होती है वो अगर नेगेटिव है तो उसका पाथ या तो सर्कुलर हो सकता था या एलिप्स हो सकता था, अगर एनर्जी जीरो है तो उसका पाथ पैराबॉलिक होगा और अगर टोटल एनर्जी जो है वो जीरो से ज्यादा है तो पाथ कुछ भी हाइपरबॉलिक, ये ग्रेविटेशन आपको मैं पढ़ाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है, ढंग से एकदम, बट लेट्स टॉक अबाउट सर्कल फर्स्ट, लेट्स टॉक अबाउट सर्कल फर्स्ट, बोलो सर्कल का डेफिनेशन क्या होना चाहिए,
सर्कल का डेफिनेशन क्या होना चाहिए कि अगर हम ऐसे पॉइंट चूज करें थ्री डायमेंशनल स्पेस में कि उसका डिस्टेंस जो है वो फिक्स पॉइंट से कॉन्स्टेंट हो, वही तो सर्कल होता है। एक ऐसा पॉइंट लो जो कि किसी एक पर्टिकुलर आर दूरी पे था और उसको ऐसे घुमाओ कि वो दूरी चेंज ना हो, है कि नहीं? नहीं समझे बात को? नहीं समझे मेरी बात को? एक ऐसा पॉइंट जो कि एक ऐसा पॉइंट कंसिडर करो वाई एक्स प्लेन में और उसको ऐसे घुमाओ कि उसकी दूरी जो है वो फिक्स पॉइंट से चेंज ना हो। जो फिक्स पॉइंट है उसको सेंटर कहोगे और जो पॉइंट जो है वो दैट दोज पॉइंट्स विल बी अस्यूम टू बी लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ द सर्कल। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? ये बात समझ आ रही है? सो दिस इज व्हाट इज सर्कल। अच्छा, सर्कल का इक्वेशन क्या होगा? कोई भी जनरल पॉइंट हम x, y मान लेते हैं, बात की बात है, ये करवाया जाएगा आप लोगों को मैथ से बहुत ज्यादा। तो क्या लिखोगे इक्वेशन? x माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस y माइनस जीरो का स्क्वायर। x और y ऐसे पॉइंट्स हैं इसमें थ्री डायमेंशन यहाँ पे वाई एक्स प्लेन में जिसकी दूरी इस पॉइंट से फिक्स है। तो x माइनस जीरो स्क्वायर प्लस y माइनस जीरो स्क्वायर का अंडर रूट, क्या यही डिस्टेंस होगा किसी भी जनरल x और y का? हाँ, और इस डिस्टेंस को क्या कहोगे? रेडियस स्क्वायर, है ना? रेडियस कहोगे। अब दोनों साइड स्क्वायर कर लोगे, खोलोगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये सर्कल का एक जनरल इक्वेशन होता है। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? बेटा मैं एलिप्स के इक्वेशन पर नहीं जा रहा, बट सर्कल का इक्वेशन ये होता है और एलिप्स का जो इक्वेशन होता है, नॉर्मल एलिप्स जो होता है, ये संदीप सर तुम लोगों को पढ़ाएंगे ढंग से एकदम, ठीक है? एलिप्स कुछ इस तरह का शेप बनेगा, चपटा सर्कल, ये सेंटर ऑफ इलिप्स कहलाएगा, ये एक बड़ा वाला कहलाता है, इसको कहते हैं सेमी मेजर एक्सिस, क्योंकि ये मेजर पार्ट होता है, बड़ा है ये, सेमी मेजर एक्सिस, और इसको कहा जाता है सेमी माइनर एक्सिस। सोच ढंग से कि जो एलिप्स जनरेट किया गया था क्या वो किसी भी एंगल से काट के किया गया था, और सर्कल जो जनरेट किया गया था वो 90 डिग्री के प्लेन से जनरेट किया गया था, हां कि ना? हां कि ना? तो इसका मतलब सर्कल इज ए स्पेशल केस ऑफ इलिप्स जिसका मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस बराबर होगा। नहीं समझे बात को? तो सेमी मेजर एक्सिस सेमी माइनर एक्सिस बराबर है, इसकी जो इक्वेशन होती है वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, वेयर ए एंड बी आर सेमी मेजर एक्सिस एंड सेमी माइनर एक्सिस रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये एक्स है, ये ए है, ये बी है, ये एक्स एक्सिस था, ये मेरा वाई एक्सिस था। थोड़ी थोड़ी बात समझ आइए। देखो ए बराबर आर रख दोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर इसकी इक्वेशन आ जाएगी। बोलो क्लियर है? दिव्यांश समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा क्या हो रहा है, है? किसका, कौन सी वाली? ये क्या है बेटा? अभी इक्वेशन बताया बस, ये इक्वेशन होता है एलिप्स का। बोलो क्लियर है? बाद में मतलब डेफिनेशन वाइज तुमको और बताया जाएगा, सिर्फ इक्वेशन ही बोल रहा हूं अभी, रट लो, ठीक है? बाद में इसकी एक्सेंट्रिसिटी वगैरह पे डेफिनेशन और बन के आती है, डोंट वरी अबाउट इट, वो बताया जाएगा मैथ में। बट अभी ये इक्वेशन देखो, यहां पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर को अगर बराबर कर दोगे तो क्या आर स्क्वायर बन के आ जाएगा, जो कि एलिप्स का सर्कल बन गया, स्पेशल केस एलिप्स का सर्कल ही तो होता है। नहीं समझे बात को? ओके, ये सब धीरे धीरे बनेगा, आएगा समझ में आपको ये क्या हो रहा है। इस तरह का इक्वेशन, ये दूसरा फंक्शन हुआ। उसी तरह से जो पैराबोला होता है, पैराबोला बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होता है, तब जो बात को, जो मेन इंपॉर्टेंट रोल जो पैराबोला प्ले करता है वो प्ले करता है आपका उसमें सोलर फार्नेसेस बनाने में, जहां पे किसी चीज सोलर एनर्जी वगैरह को जहां पे हार्नेस करना होता है। जो देखते हो ना सोलर, जो देखते हो मिरर्स, देखते हो ना पैराबोला, जो मिरर्स होते हैं जो लगे रहते हैं बड़े बड़े हार्वेस्टर्स में, सोलर हार्वेस्टर्स में, देखे हो नहीं देखे हो? वो किस शेप का होता है? वो स्फेरिकल होता है कि पैराबोलिक शेप का होता है? वो पैराबोलिक मिरर्स होते हैं, समझ रहे हो? अब याद करो, मैंने तुमको टेंथ में पढ़ाया था कि अगर कोई सरफेस स्फेरिकल होता था, याद करो, तो लाइट रे अगर पैरेलल होती थी तो वो सेंटर पे जाके कट करती थी, इसकी गारंटी नहीं थी। याद करो, वो डिस्टेंस अलग होता था, आर वन माइनस सेक थीटा टाइप से कुछ आता था बनके, याद है? बट अगर वो लाइट रे पैराग्जियल हो जाते थे तब हम मानते थे कि वो फोकस पे जाके कट कर रहा था, याद है कुछ? याद करो, ये बताया था मैंने तुम लोगों को कि वो फोकस पे कट तभी करता था जब रेस पैराग्जियल हो, पैराग्जियल मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत नजदीक होते थे लाइट रे। बट पैराबोला में ऐसा नहीं है, पैराबोला में इसलिए बहुत स्पेशल शेप हो जाता है क्योंकि पैराबोला का, इसको प्रूव भी किया जा सकता है,
फॉर्मेट प्रिंसिपल वगैरह लगा के इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। मैं अभी इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं, किसी को पूछना होगा तो मेरे से पूछ लेना, एडवांस सेक्शन में करा दूंगा। बट अगर ये शेप पैराबोलिक है, अभी बता रहा हूं, तो पैराबोला की एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर कोई भी लाइन पैरेलल है एक्सिस ऑफ पैराबोला के, दिस इज एक्सिस ऑफ पैराबोला, तो वो गारंटीड है कि वो सारे के सारे लाइट रेज ना फोकस पे आके मिलेंगे, चाहे वो कितनी भी दूरी पे हो। समझ पा रहे हो बात को? ये पैराबोला की सबसे खूबसूरत प्रॉपर्टी होती है, इसको प्रूफ किया जा सकता है, डोंट वरी। मतलब ये प्रूफ बकायदा है, फॉरवर्ड प्रिंसिपल से इजीली प्रूफ हो जाता है। बोलो क्लियर है? ओके, फॉरवर्ड प्रिंसिपल पढ़ा है तुम लोगों ने मैथ्स में? नहीं पढ़े? अच्छा, फिजिक्स में बहुत यूज है फॉरवर्ड प्रिंसिपल का, एग्जाम्पलर वगैरह में फॉरवर्ड प्रिंसिपल बताया गया। लाइट में अगर मेरा मन करेगा तो मैं पढ़ा दूंगा तुम लोगों को फॉरवर्ड प्रिंसिपल, डोंट वरी। हाँ, फॉरवर्ड प्रिंसिपल वो बेटा है, दो पॉइंट्स के बीच की अगर लाइट को अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में जाना है ना, लेट सपोज कोई भी दो आर्बिट्री पॉइंट है, तो एक पॉइंट से अगर दूसरे पॉइंट के बीच में अगर जाना है तो लाइट एक ऐसा पाथ चूज करती है जिसमें टाइम मिनिमम लगे, ये कहता है फॉरवर्ड प्रिंसिपल। समझ रहे हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट, इससे बहुत ज्यादा चीजें हम लोग प्रूव करते हैं कि एक लाइट एक ऐसा पाथ चूज करेगी अपने आप। मान लो मिरर वगैरह कुछ भी लगा दो, अगर इस पॉइंट लाइट को अगर यहां से यहां पहुंचना है तो ये ऐसे पाथ चूज करेगा कि इसको मिनिमम टाइम लगे। देखो, इससे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ हो गया। अगर इसको मिनिमम टाइम लगाना है तो ऐसे जाएगा जहां पे ये एंगल बराबर हो, क्योंकि देखो इस पॉइंट का एक रिफ्लेक्शन यहां पे कंसीडर कर लो, तो यहां से यहां मिनिमम टाइम में पहुंचने के लिए क्या इसको स्ट्रेट लाइन में चलना चाहिए? और इसी का जस्ट रिफ्लेक्शन मैंने यहां पे ले लिया, तो इसका जस्ट रिफ्लेक्शन पॉइंट यहां पे था, तो जितना टाइम यहां से यहां लगेगा उतना ही टाइम यहां से यहां लगेगा, तो क्या ये एंगल बराबर ये एंगल होना चाहिए? देख रहे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ कर, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ कर दिया फॉरवर्ड प्रिंसिपल से। तो फॉरवर्ड प्रिंसिपल से बहुत बढ़िया यूज है ऑप्टिक्स में, बट खैर उसके बारे में बात नहीं कर रहा। तो पैराबोला का ये बहुत बढ़िया इस्तेमाल होता है कि वो सारे के सारे पॉइंट होते हैं ना, वो आपका वहां पे जाके मिलते हैं उसके फोकस पे। बट चलो वापस आ जाते हैं, आई डोंट वॉन्ट टू डायग्रेस फ्रॉम माई टॉपिक। तो जो भी पैराबोला का इक्वेशन होता है, पैराबोला के का डेफिनेशन ऐसे दिया गया है कि कोई भी एक, अगर हम फिक्स्ड पॉइंट पकड़े, कोई भी एक फिक्स्ड पॉइंट पकड़े और कोई भी एक लाइन पकड़े यहां पे, तो कोई भी, अब यहां से पॉइंट पकड़ो तो यहां से यहां की दूरी और इस फिक्स्ड पॉइंट से यहां की दूरी, ये डिस्टेंस अगर x है और ये डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस आप d1 मान लो और ये डिस्टेंस d2 मान लो, ये कौन सा डिस्टेंस है? ये कौन सा डिस्टेंस है? ये इस लाइन से इस पॉइंट की दूरी है। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होने चाहिए। मान लो इस पॉइंट से बात करें हम कहीं पर भी, अब देखें यहां से ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस बराबर है। यहां से देखो ये डिस्टेंस, कोई एक और पॉइंट पकड़ लो, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है। मैंने कहा कि ये एक पॉइंट ये ए डिस्टेंस पे था, अब यहां से ये वाला पॉइंट जो लाई कर रहा है, ये डिस्टेंस अगर ए था तो इस लाइन से ये डिस्टेंस भी ए होना चाहिए। यस और नो? अब मान लेते हैं कि यही पे पैराबोला का वर्टेक्स लाई कर रहा था, इसको वर्टेक्स ऑफ पैराबोला कहेंगे बाद में, ठीक है। तो ये डिस्टेंस x हो गया, ये आप x एक्सिस मान लीजिए, ये आप y एक्सिस मान लीजिए। अब समझिए बात को, पैराबोला बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है इसलिए मैं समझा दे रहा हूं। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो ये लाइन की, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? बोलो, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। बोलो क्या होगा? अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एट अ डिस्टेंस a फ्रॉम इट, क्या x कांस्टेंट है? क्या इसका x कांस्टेंट x इक्वल टू ए कि y इक्वल टू ए? x इक्वल टू ए, y इक्वल टू ए, शाबाश, x इक्वल टू माइनस ए, बट y तो चेंज कर रहा है। देखो, अगर अलाइन पैरेलल टू y एक्सिस अगर होता इस तरह का तो ये क्या होता? देखो इसका क्या कॉन्स्टेंट है, y की दूरी फिक्स्ड है y वाली, तो y इज इक्वल टू ए। अगर नीचे होता तो y इज इक्वल टू माइनस ए, अगर ऐसे पैरेलल होता तो x इज इक्वल टू ए, वाई वाले अगर ये y एक्सिस हो जाता तो x बराबर जीरो, x एक्सिस हो जाता तो क्या y बराबर जीरो? होता नहीं होता? वैसे भी देखो तो स्लोप 90 डिग्री पे है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो y इज इक्वल टू एम एक्स में स्लोप 90 डिग्री कर दो, tan 90 निकाल दो, वहां से आ जाएगा। बोलो क्लियर है?
बोलो क्लियर है? ओके अब यहां से तो x इज इक्वल टू माइनस है ये इक्वेशन. अब यहां से कोई भी पॉइंट पकड़ो थ्री डायमेंशनल स्पेस में, ये हो गया x कमा वाई, ये डिस्टेंस और ये हो गया तुम्हारा पॉइंट a कमा जीरो, ये डिस्टेंस क्या बराबर होना चाहिए? यही तो डेफिनेशन है पैराबोला का, यही तो डेफिनेशन है पैराबोला का. हां कि ना? हां कि ना? मतलब ठीक है, थोड़ा अच्छा नहीं बना है. ऊपर ले लेते हैं. अब देखो इसी बात को मैं लिखूंगा, यह डिस्टेंस कितना हो गया बेटा बोलो, यह डिस्टेंस कितना हो गया? यह है x प्लस a, यह डिस्टेंस है शुड बी इक्वल टू व्हाट? यहां पे देखो यह डिस्टेंस कितना है, x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. हां कि ना? हां कि ना? बोलो. अब बस इसी को देखो, x प्लस a का, हाँ बेटा बोलो बेटा, स्क्वायर कर रहे तो क्या फर्क पड़ता है? तो ये हो गया क्या, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ax प्लस y स्क्वायर. और देखो यहां से क्या आ गया, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax बराबर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ax प्लस y स्क्वायर. अब देखो यहां से क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, तो क्या आया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स. क्या यही पैराबोला की इक्वेशन होती है जो आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है? तो यस और नो? यस और नो? वो इस तरह का पैराबोला, इस तरह का, दिस इज इस तरह का पैराबोला, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स. देखो ये एक्स लिखा है ना, ये फोर ए कुछ भी हो सकता था. आप जाए यहां पर ए कॉमा जीरो इसका फोकस होता है, ठीक है. अभी और भी बहुत सारी चीजें आपको संदीप से पढ़ाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट. बट मेरे को क्या बता रहा था, देखो यहां पे x लिखा है ना, इसका मतलब कि ये जो पैराबोला है वो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है. बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है कि पैराबोला जो होता है वो एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है. लिख लेना, पैराबोलिक शेप इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस, एसएसएम में काम आएगा ये बात. पैराबोलिक शेप इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस, लिख लेना. अब देखो, अब देखो अगर मान लो पैराबोला कुछ इस तरह का होता, तो अब तुम लोग खुद इक्वेशन बताओगे, अब तुम लोग खुद इक्वेशन बताओगे. देखो ये पैराबोला जो है ये हो गया y स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए. अच्छा पैराबोला अगर इधर इस तरह का होता तो जिसका फोकस जो है माइनस एक, अगर माइनस एक का मतलब क्या लिख लेते, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर ए एक्स. समझ रहे हो? यस सर नो? यस सर नो? देखो एक एक्स के लिए वाई की दो वैल्यूज है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दिख रहा है? एक एक्स के लिए वाई की, एक माइनस वाई के लिए, एक प्लस वाई के लिए, सेम वैल्यूज है, दिख रहा है? अच्छा इसकी इक्वेशन क्या होगी बेटा, इस तरह का पैराबोला हुआ तो? फिर सोच के बोलो, ये टेंथ में पढ़े हो तुम लोग, अब क्या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए वाई टाइप है जिसका सबका फोकस ए कॉमा जीरो है? क्या इसकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए वाई होगी? देखो एक माइनस एक्स और एक प्लस एक्स के लिए क्या वाई की सेम वैल्यू आ रही है? बोलो. और ये देखो, ये देखो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर ए वाई, नेगेटिव कर दिया ना? बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? सो दिस इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर ए वाई, दिस इज अनदर टाइप ऑफ पैराबोला, ठीक है, जो कि बल्जिंग डाउनवर्ड है. बोलो क्लियर है? सो इस तरह के पैराबोला की इक्वेशंस होते हैं, इसको हम शिफ्ट भी कर सकते थे, क्या प्लस सी माइनस सी लगा सकते, समझ सकते हो? अगर पैराबोला को शिफ्ट कर दिया सी डिस्टेंस से, तो क्या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए वाई प्लस सी हो जाएगा वहां से इक्वेशन? बात समझ पा रहे हो यहां पे? वो आप समझ रहे हो, वो खैर शिफ्टिंग वगैरह आपको बताया जाएगा बाद में, ठीक है, कि कैसे शिफ्ट होता है. मतलब कि अगर देखा जाए तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स प्लस सी भी हो सकता था, तो वो एक क्या एक अलग बात है कि क्या होता है यहां पे के वन एक्स प्लस के टू वाई करके, के वन एक्स प्लस के टू करके निकालते हैं और कई तरह की चीजें यहां से प्रूफ करते हैं. बट पैराबोला का एक इक्वेशन, क्या ये इक्वेशन है? समझाने वाली बात ये थी कि
कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay हो या y इज इक्वल टू y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax हो, क्या एक x के लिए y की दो वैल्यूज है, सॉरी क्या दो x के लिए y की सिंगल वैल्यू है, क्या दो x के लिए y की सिंगल वैल्यू है, यस और नो? तो इसका मतलब कि पिछली बार जो हमने स्ट्रेट लाइन पढ़ा था जहां पे एक x के लिए एक ही y का सोल्यूशन होता था, एक यहां पे डिफरेंट हो सकता है, यहां पे सोल्यूशन दो हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि पैराबोला किस तरह का दिया है, बट दिस इज व्हाट यू कॉल पैराबोला, ठीक है, जिसका यूज हम लोग करेंगे। तो ये दूसरे, ये एक और तरह का शेप हुआ, ठीक है। तो दीज आर द अलजेब्रिक फंक्शन। तो नॉर्मली जो पैराबोला का इक्वेशन जो बाद में कभी भी आप इस तरह का देखो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक पैराबोला ही रिप्रेजेंट करता है, समझ लो बात को। देखो एक्स स्क्वायर का टर्म आ गया ना यहां पे, बोलो क्लियर है, बोलो। जिसके रूट्स आप जानते हो क्या होते हैं वो सर, आप अल्फा बीटा पढ़ के आए हो, उसके बारे में बात नहीं करूंगा, ठीक है, बट वो सब हम लोग यूज करेंगे। सो दिस आर द, दिस इज द टाइप ऑफ पैराबोला, और पैराबोला का सिंपल मतलब ये होता है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत पैराबोला से बहुत मजा ज्यादा आपका पाला पड़ने वाला है। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा वैसे वैसे आपको इक्वेशन सीखना सिखाऊंगा पैराबोला की, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। चलो तो ये पैराबोला हुआ। अब देखो, आओ, जो हाइपरबोला होता है उसकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन होता है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, जरूरत नहीं है हाइपरबोला की, इसलिए ज्यादा करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो ये हुआ अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है। थोड़ा सा और समझते हैं, एक लिखो ऑड एंड इवन फंक्शन, ऑड एंड इवन फंक्शन, जो जो जरूरत है वो बता रहा हूं मैं। ऑड फंक्शंस का मतलब समझते हो, ऑड फंक्शंस का मतलब समझते हो क्या? जैसे मान लो कि मेरा ये फंक्शन था वाई स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू फोर ए, क्या है ये बोलो, एक्स क्या, कौन सा इक्वेशन है, वाई इज इक्वल टू फोर ए एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए, इस इक्वेशन का नाम बोलो, पैराबोला का, बोलो इस पैराबोला का नाम बोलो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए वाई, ओके एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए वाई। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक्स की जगह पे माइनस एक्स रख दो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर फोर ए, पुट x इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो क्या y इज इक्वल टू अभी भी माइनस एक्स, अभी भी एक्स स्क्वायर बाई फोर ए ही आएगा? दिस इज कॉल्ड इवन फंक्शन, f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x, दिस इज वॉट यू कॉल इवन फंक्शन। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल होता है इवन फंक्शन का, कोजाइन फंक्शन इज इवन फंक्शन, मतलब cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होगा, बोलो क्लियर है? ऑड फंक्शन f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स, जैसे यहां पे x क्यूब कर लो, y इज इक्वल टू x क्यूब प्लस x, नाउ पुट x इज इक्वल टू माइनस एक्स, व्हाट यू विल गेट, पुट x इज इक्वल टू माइनस एक्स, व्हाट यू विल गेट, माइनस x, एंड दिस इज व्हाट यू कॉल इवन फंक्शन। सो f ऑफ माइनस x इज इक्वल टू माइनस x, साइन फंक्शन जो है वो इवन है, साइन x इज इवन फंक्शन, मतलब क्या हुआ, क्या साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन, बोलो क्लियर है। ये दो इंपॉर्टेंट इवन फंक्शन होते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर आगे भी चल सकते हैं। अच्छा व्हाट अबाउट टैन थीटा, टैन थीटा ऑड होगा कि इवन होगा, टैन ऑड होगा कि इवन होगा, टैन ऑड फंक्शन, बात समझ आ रही है उस तरीके से। खैर ग्राफिकली भी इसको देख सकते हैं कि जो इवन फंक्शन होते हैं वो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, समझ रहे हो बात को, और जो ऑड फंक्शन होते हैं वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं, ठीक है। खैर ये सब तो तुमको मैथ्स में बताया जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट, बहुत ज्यादा बताएंगे सर ये है। सो दिस इज ऑड फंक्शन एंड दिस इज इवन फंक्शन, बोलो क्लियर है, समझ आ गई बात। बेसिक लॉगरिथम की प्रॉपर्टी सर को बोलना पढ़ा देंगे, ठीक है, बेसिक लॉगरिथम की प्रॉपर्टी सर को बोलना पढ़ा देंगे,
ठीक है, पढ़ा दिए, वेरी गुड, ओके, चलो सही है, शाबाश। ये आ जाना ln x इज इक्वल टू, बहुत ज्यादा यूज करोगे, 2.303 log 10x, याद है ना? नहीं पता, नहीं पता, ये e का बेस चेंज किया है 10 पे ले जाके, और क्या, ठीक है, वो बताया जाएगा, केमिस्ट्री बहुत यूज करोगे, डोंट वरी, ठीक है। खैर ये सब बात हुई, ठीक है, तो डिफरेंट तरह के फंक्शंस हो सकते हैं। अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे और बात करूंगा मैं तुम लोगों से। चलो लिखो डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन देखो, आओ पढ़ाता हूं डिफरेंशिएशन। तुम लोगों को सर ने एसिम्प्टोट समझा दिया, टेंथ वाले, नहीं टेंथ वालों को पूछ रहा हूं, समझाए एसिम्प्टोट, एसिम्प्टोट समझाए सर, बोले थे सर को बताने के लिए, अच्छा ठीक है। बात लेते हैं बेटा कि मैंने क्या कहा, डिफरेंशिएशन का सिंपल सा मतलब होता है चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स, सिंपल, दिस इज वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन, ये याद रखना है, दैट इमीडिएटली टेल्स यू दिस इज डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। पहले लिख लो इस चीज को अपनी कॉपी में, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। अब वो क्या है, लेट मी टेल यू, फंक्शन का मतलब मान लो कि हमने इधर f ऑफ x रखा, इधर हमने x रखा, कोई फंक्शन था इस तरीके से, ठीक है, नॉर्मल कोई ठीक ठाक ढंग का फंक्शन, कोई इस तरह का फंक्शन था। अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, ये इस फंक्शन का नाम दिया मैंने y इज इक्वल टू एफ एक्स, कुछ भी हो सकता था, साइन एक्स कॉस एक्स लॉग एक्स ई की पावर एक्स, कुछ भी हो सकता था, ठीक है। अब हमने कहा कि x बराबर एक्स वन पे फंक्शन जो है वो f ऑफ एक्स वन, और x बराबर x2 पे इसकी वैल्यू जो है f ऑफ x2, राइट, यस और नो, ओके, नाउ व्हाट विल यू राइट, बेसिकली अगर हम डेल्टा वाई की बात करें तो ये क्या है, एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन, हाँ किदा, हाँ किदा, तो यह सब, अच्छा ये कब फिक्स्ड रहेगा, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स कब फिक्स रहेगा, डेल्टा वाई वाई डेल्टा एक्स कब से कब चेंज नहीं होगा, कभी भी, स्ट्रेट लाइन, शाबाश, स्ट्रेट लाइन, यस, स्ट्रेट लाइन के केस में कभी भी चेंज नहीं होगा, है ना, दिस विल बी ऑलवेज फिक्स्ड फॉर एनी टाइम इंटरवल। बट पता है ढंग से सोच के, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स जो है, अगर मैंने एक्स का इंटरवल ज्यादा कर दिया या कम कर दिया तो उसके अकॉर्डिंग वाई टू माइनस वाई वन चेंज हो जाएगा ना, कभी ज्यादा कभी कम हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द शेप, हाँ कि ना, ऐसा हो सकता है। तो इस तो ये फॉर्मूला बहुत काम का नहीं है अगर जो चेंज कर जाता है तो, हालांकि डेफिनेशन यही है, तो हमने थोड़ा सा चीजों को सर्कमवेंट किया, ठीक है। अब कैसे सर्कमवेंट किया, समझो बात को, हमने क्या किया, हमने क्या किया समझना, कि हमने यहां पर कहा ठीक ओके कोई दिक्कत नहीं है, हमने कहा कि यह फंक्शन x है, यहां से बिल्कुल थोड़ी सी दूरी पे dx डिस्टेंस पे, बिल्कुल छोटा सा, डेल्टा x बहुत छोटा है, डेल्टा x ही माना,
डेल्टा एक्स बहुत छोटा है, बहुत छोटा। अच्छा अगर बहुत छोटा करने का फायदा क्या होगा, सिर्फ सोचो, डेल्टा एक्स बहुत छोटा करने का फायदा क्या होगा, सोचो, डेल्टा एक्स बहुत छोटा करोगे तो फायदा क्या होगा? क्या यहां से लेके यहां तक का फंक्शन जितना छोटा कर दोगे क्या ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं? और स्ट्रेट लाइन के लिए डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स फिक्स्ड होता है, यस और नो? तो मतलब उस पर्टिकुलर छोटे से सेक्शन में हम डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, वैसे हर सेक्शन के लिए हम डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स जो है वो छोटे से सेक्शन में, बात समझो, हम फिक्स मान सकते हैं, बात समझ आ रही है? मतलब उस छोटे से पोर्शन को हम स्ट्रेट लाइन की तरह अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, नहीं समझे मेरी बात को? इस छोटे से सेक्शन को हम स्ट्रेट लाइन की तरह मान सकते हैं अगर डेल्टा एक्स बहुत छोटा है तो। अब वही स्ट्रेट लाइन में बनाऊंगा, देखो कैसे, कुछ इस तरह का, ये वाली वैल्यू का कोऑर्डिनेट, इसके कोऑर्डिनेट बोलो क्या है, एक्स कॉमा एफ एक्स, यस और नो? यस और नो? हाँ। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ कितने हैं, बोलो ढंग से, बोलो ढंग से, क्या है कोऑर्डिनेट इसका, इसका बोलो, एक्स टू डी बेटा, एक्स प्लस डी एक्स डेल्टा एक्स हो गया है वो। अब ये पॉइंट एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो गया है, बोलो वाई की, और फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ एक्स कॉमा डेल्टा एक्स, यस और नो? यस और नो? ओके, नाउ लेट्स टेक द डिफरेंशियल ऑफ इट, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, दिस इज एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स ओवर एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स, सो दिस बिकम्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स, हा कि ना? यस और नो? यस और नो? ये बात समझ आ रही है, ये बात समझ आ रही है? ओके, पहले यहां तो बता रहा, फिर मैं बताता हूं। अब देखो इसमें क्या है कि अगर हम फिर से बात करें इसी चीज को, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, ये मेरा बन जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। अब अगर डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स बहुत छोटा है, बहुत छोटा, बहुत छोटा है, बहुत छोटा मान के चल रहे हैं, इनफैक्ट टर्मिनल स्मॉल मान के चल रहे हैं बेसिकली, तो इसका मतलब एक्स से लेके एक्स प्लस डेल्टा एक्स के बीच में हम इसको स्ट्रेट लाइन मान सकते थे। और ये है क्या, ये जो मैंने स्ट्रेट लाइन अभी बनाया था, ये इस जगह पर जो भी एंगल बना रहा होगा, इस पे अगर हम टेंजेंट डाल दें तो जो भी एंगल बना रहा होगा क्या उसी का ये टैन थीटा है, विच इज योर एक्चुअली व्हाट, डेल्टा वाई डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई इज एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, एंड डेल्टा एक्स इज एज इट इज, बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही है? तो डिफरेंशिएशन दैट गिव्स मी द इमीडिएट डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, एंड इट टेल्स यू दैट डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन at any point gives you what, gives us the instantaneous slope of the function, yes or no? Yes or no? Yes or no? अब अगर this is, ये slope बताता है, देखो ढंग से, ये slope बता रहा है, बोलो इसका slope बढ़ रहा है कि घट रहा है, इस ऐसे फंक्शन का स्लोप बढ़ रहा है कि घट रहा है, बात समझ आ रही है? देखो एंगल घटते चला जा रहा है ना, तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है क्योंकि इसका स्लोप फिक्स नहीं है, अगर स्लोप होता तो इसका थीटा फिक्स होता, नहीं समझी बात को? अब बस यही है, अब यहां से देखो, अब देखो यहां पे, अब अगर तुम बहुत ढंग से समझोगे तो तुम्हें कुछ बातें और दिखेंगी यहां पे। अच्छा एक चीज और यहां पे समझ लो कि अगर डेल्टा एक्स बहुत छोटा हो गया तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, ये आपको मैथ पे फिर से बताया जाएगा, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स बहुत छोटा होता है तो बेसिकली ये कॉन्टिन्यूअस बन जाता है फंक्शन,
तो ये dy by dx बना देते हैं हम इसको, ठीक है, और इसका मतलब हुआ f of x plus dx, बेसिकली आप ऐसे ही समझो। ये बहुत छोटा होता है तो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स जो होता है वो डिस्क्रीट नहीं रहता है, वो कॉन्टिन्यूअस बन जाता है। खैर वो एक अलग बात है, अभी आप नहीं समझ पाओगे उसको, बट आप समझे कि यही चीज, यही तक आप समझे, और यहां से आप बोलो कि डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो बिकम्स डी वाई ओवर डी एक्स, एंड दिस इज वॉट यू कॉल डिफरेंशियल ऑफ ए फंक्शन। डिफरेंशियल ऑफ ए फंक्शन है ना, वाई की जगह कुछ भी होता है, साइन एक्स होता, कॉस एक्स होता, लॉग एक्स होता, एल एन एक्स होता, ई की पावर एक्स होता, कुछ भी होता। बात समझ आ रही है? सो दिस इज वॉट यू कॉल डिफरेंशिएशन। दिस टेल्स यू हाउ फास्ट द फंक्शन इज चेंजिंग एट ए पॉइंट। ये तो पहले ही बता चुका हूं, डीवाई सोच डीवाई बाई डीएक्स ज्यादा, इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां पे डीवाई बाई डीएक्स ज्यादा था वहां पे फंक्शन जो है गिवन एक्स के लिए ज्यादा चेंज हो रहा है या उसके बदलने की रफ्तार तेज है। यस और नो, ये बात समझ आ रही है? लास्ट लाइन बोला, दिस ओनली मींस दैट कि अगर डीवाई बाई डीएक्स ज्यादा है तो गिवन एक्स के लिए, गिवन चेंज इन एक्स के लिए, ज्यादा प्रिसाइज स्टेटमेंट है, गिवन चेंज इन एक्स के लिए गिवन चेंज इन वाई ज्यादा है। नहीं समझे बात को? दिस इज वॉट यू कॉल डिफरेंशिएशन, राइट? मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था कि अगर मेरे पास कोई एक फंक्शन है वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स जो कि किसी तरह से वेरी कर रहा है, लेट सपोज, तो अगर आप बहुत ढंग से देखो तो dy by dx जिसको हमने डिफाइन किया था एंड y एज ए फंक्शन ऑफ x लिखा हुआ था, तो मैंने आपको कहा था कि अगर किसी भी x से लेके x plus dx जो कि बहुत छोटी सी जगह है, यहां पर इंस्टेंटेनियस स्लोप की अगर बात की जाए तो दिस वॉज f ऑफ x plus dx, ये x है, x के अकॉर्डिंग यहां पे वैल्यू f ऑफ x हुआ और ये वाली वैल्यू जो है वो x plus dx है, तो उसके अकॉर्डिंग यहां पे जो वैल्यू आई वो आई f ऑफ x plus डेल्टा और dx मान लेते हैं माइनस f ऑफ x। अब इसको अगर आप देखो बड़ा करके, मैंने आपको कल बताया था कि दिस इज योर ये यहां पे, तो दिस इज योर चेंज इन y, ये वाली वैल्यू है ये, है ना, तो f ऑफ x plus dx माइनस f ऑफ x और ये जो वैल्यू है ये यहां पे देखो, तो ये dx है, तो दोनों को जब डिवाइड करोगे ओवर x plus dx माइनस x dx, क्या यही डिफरेंशिएशन का जनरल फॉर्मेट था? हाँ कि ना? क्या यही डिफरेंशिएशन का जनरल फॉर्मेट था कि ये डिफरेंशिएशन को ही रिप्रेजेंट करता है? ठीक है, अब dy by dx की अगर फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करो तो क्या है, व्हाट दिस फिजिकली मीन, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, what the physical significance of dy by dx, kya it tells you, it gives you an idea about how fast the function does change as x changes, haan ki na, it gives you the rate of change of function, hai na, ki given x mein jo change hua x se leke x plus dx usme y kitna change kiya ya f of x kitna change kiya, hai na, so physical significance kya hai iska, ki dy by dx of a function gives an idea of how fast the function changes. The function fx कह लो, y कह लो, fx, how fast the function fx changes as x changes. क्या मेरी बात क्लियर है? अगर dy by dx ज्यादा है तो उसके फंक्शन के बदलने की रफ्तार ज्यादा है, ये बात समझ आ रही है? ये बात समझ आ रही है? ओके, पहली चीज। दूसरी बात क्या है बेटा, देखो इसी में एक और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मैथमेटिकली इसका क्या मतलब होता है, मैथमेटिकली निकालते क्या है, क्या इट गिव्स यू द थीटा, टैन थीटा, बेसिकली टेंजेंट ऑफ द एंगल, इट गिव्स यू द टेंजेंट ऑफ द एंगल, टेंजेंट ऑफ द टैन बोल रहा हूं, ठीक है, टैन थीटा ऑफ द एंगल विच इंस्टेंटेनियस टेंजेंट टू द कर्व मेक्स विथ एक्स एक्सिस। यस और नो? ये जो ग्राफ जो है
ये एक्स के साथ मान लो यहां पे बात किया जाए, तो यहां पे अगर आप टेंजेंट, अच्छा टेंजेंट होता क्या है रे, टेंजेंट होता क्या है, जो कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पे काटे, हाँ कि ना, तो वो टेंजेंट जो है वो इंस्टेंटेनियसली एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा वन थीटा टू, क्या ये वही बात बताता है, यस और नो? तो लिखो कि मैथमेटिकली इट गिव्स अस टैन थीटा ऑफ द एंगल, मैथमेटिकली इट गिव्स अस टैन थीटा ऑफ द एंगल, टैन थीटा ऑफ द एंगल वेयर थीटा इज द एंगल मेड बाय, वेयर थीटा इज द एंगल मेड बाय टेंजेंट टू द कर्व विथ एक्स एक्सिस, टेंजेंट टू द कर्व विथ एक्स एक्सिस, बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है, वो टेंजेंट, अच्छा सिर्फ इस ग्राफ को देखो, ये समझ में आ गया, मिटाओ इसको, मिटाओ इसको, अच्छा अब सिर्फ इस ग्राफ को देख के बताओ मेरे को, सिर्फ एक ग्राफ बनाऊंगा उसको देख के बताओ मेरे को, मान लो ऐसे मेरा एक ग्राफ है, लेट्स सपोज ऐसे ग्राफ दिया हुआ है, अब मैं इससे कुछ पॉइंट्स रख दे रहा हूं, कुछ इस तरह से ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट, ए ऐसे समझो ए पॉइंट यहां पे है, बी पॉइंट यहां पे है, सी पॉइंट यहां पे है, डी पॉइंट यहां पे है। अब आपसे पूछा गया, मैंने दो सवाल पूछा, मतलब आपको बताना है फाइंड आउट, क्वेश्चन नंबर ए, पॉइंट एट विच इधर एक्स है, अच्छा इधर एक्स है तो इधर क्या आएगा, क्या एफ ऑफ एक्स आएगा, ये बात समझ आ रही है, एफ ऑफ एक्स, अच्छा बेटा डीवाई बाई डी एक्स को ना बेटा ऐसे भी लिख देते हैं, एफ प्राइम एक्स भी लिख देते हैं, ये प्राइम मतलब समझ रहे हो, मतलब आपने एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट किया है, बोलो क्लियर है, सो दिस इज ऑल्सो सिंबल फॉर डीवाई बाई डी एक्स, दिस इज एफ प्राइम एक्स, ऐसे लिखते हैं, बस सिंबल है ये, ठीक है, सिंबलाइज करने के लिए, पॉइंट एट विच एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो ये बताना है आपको, एंड पॉइंट एट विच एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू जीरो, सोच के बताओ, देख के बताओ कौन कौन से पॉइंट है वो, एफ एक्स कहां पे जीरो है, एफ एक्स कहां कहां पे जीरो है, मोर देन वन आंसर हो सकते हैं दोनों में, इनफैक्ट है यहां पे, कहां पे बोलो सब कोई, बोलो सब कोई, बोलो हाँ, एफ ऑफ एक्स कहां पे जीरो जीरो है, ए पॉइंट पे और सी पॉइंट पे, तो दीज आर ए एंड सी, ओके वेरी गुड, एफ प्राइम एक्स कहां कहां पे जीरो है, एफ प्राइम एक्स कहां कहां पे जीरो है, मतलब कहां कहां पे डिफरेंशिएशन जीरो है इसका, बताओ बी और डी, क्यों क्यों बी और डी, चेंज इन वाई जीरो है, ऐसा कैसे बोल सकते हैं, वहां पे फ्लैट हो गया ना, ये सर नो, ऐसे हाँ अगर तू ऐसे सोच रहे टैन कैसे सोचा करो, हमेशा देखो यहां पे टेंजेंट डालेंगे तो टेंजेंट की कुछ ना कुछ तो वैल्यू है ना टैन थीटा की, दिख रहा है, दिख रहा है, बट यहां पे टेंजेंट डालोगे तो क्या सीधा हो गया, वट एंगल डज दिस टेंजेंट, दिस टू टेंजेंट मेक विथ एक्स एक्सिस, वट आर द एंगल्स एंड वट इज टैन जीरो, वट इज टैन जीरो, टेल मी जीरो, तो कौन कौन से पॉइंट है, बोलो क्लियर है, मतलब ग्राफ में अगर कभी भी एक मैक्सिमा, देखो यहां पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है और यहां पे मिनिमम वैल्यू आ रही है ग्राफ का, दिख रहा है, तो कभी भी ग्राफ बढ़ने के बाद घटे या घटने के बाद बढ़े, बढ़ने के बाद घटे या घटने के बाद बढ़े, तो जो ऐसा इस तरह का शेप मिलेगा, क्या वहां पे डिफरेंशियल उसका जीरो होगा, मतलब नहीं समझे बात को, यह बात समझ आ रही है, तो वेयर एवर दिस टाइप ऑफ थिंग, समझ में आया अच्छे से, समझ में आया अच्छे से,
अपनी कॉपी में लिख लो बेटा। जब आप 12th में जाओगे तो कुछ फॉर्मूले आपको बताए जाएंगे, उसका प्रूफ बेसिकली फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूफ करते हैं, बट आपको मैं सीधा फॉर्मूला अभी दे रहा हूं, और ये फॉर्मूले जैसे मुझे याद है आपको याद होने चाहिए बिल्कुल, ठीक है, वरना काम नहीं चलने वाला है। ये फॉर्मूले इतना रिग्रेसली और इतना फ्रीक्वेंटली यूज होगा, इनफैक्ट आई कैन गारंटी कि ये फॉर्मूले मैथमेटिक्स से ज्यादा फिजिक्स में यूज होने वाले हैं। समझ रहे हो बात को? जितना तुमने मैथमेटिक्स में डिफरेंशियल का इस्तेमाल नहीं करोगे उससे ज्यादा फिजिक्स में इस्तेमाल करोगे अगले 2 साल। समझ रहे हो? इसलिए ये मैथमेटिक्स की भाषा है, फिजिक्स की भाषा है। अगर आपको ये भाषा नहीं समझ में आएगी तो फिर आपको मेरी लैंग्वेज नहीं समझ में आएगी। इसलिए समझना और रटना दोनों ही बहुत जरूरी है। यू शुड बी थॉरो विद ऑल दिस थिंग्स व्हिच आई एम टेलिंग यू। ऑलराइट, मान लेते हैं कि वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स लिखा गया, एक्स लिखा गया, लेट सपोज थोड़ी देर के लिए एक्स की पावर एन, छोड़ो एक्स की पावर एन लिखा गया, बोलो क्लियर है? एक्स की पावर एन, एन कुछ भी हो सकता था, एन कुछ भी हो सकता था, ठीक है, अभी के लिए मानते हैं। तो डीवाई बाई डी एक्स का फॉर्मूला लिखा गया, एन टाइम एक्स रेस टू द पावर एन माइनस वन, बोलो क्लियर है? वेर एन कुड बी एनीथिंग, डीवाई बाई डी एक्स इसका फॉर्मूला है, बोलो क्लियर है? पहला फॉर्मूला आ गया। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एन एक्स रेस टू द पावर एन माइनस वन। चलो अच्छा, एक चीज और याद रखोगे कि डी ऑफ डी वाई बाई डी एक्स ऑफ वाई वन प्लस वाई टू या एफ वन एक्स प्लस एफ टू एक्स, ये कम्यूटेटिव होता है। इसको ऐसे लिखा जा सकता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ वन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एफ टू एक्स। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, क्या मेरी बात क्लियर है? डी वाई डी एक्स ऑफ, ये लिखा जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर वन इस फॉर्मूले पे दे रहा हूं, लिखो एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, लेट्स सपोज एफ एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे देते हैं, कुछ भी हो सकता था, वेलोसिटी कुछ भी हो सकता था यहां पे, ठीक है। ये दिया गया आपका 3t² प्लस 4t की पावर क्यूब, कितना आएगा बताओ? एक और एक ये चीज लिखो, एक फॉर्मूला और लिखो बेटा, d by dx ऑफ k टाइम्स fx, ये होगा k टाइम्स d by dx ऑफ fx। बात समझ रहे हो? k, where k is a constant, where k is an arbitrary constant, बोलो क्लियर है? तो कॉन्स्टेंट को बाहर कर सकते थे, बोलो क्लियर है? अब इसको इन ये दो फॉर्मूले से आपका ये आ सकता है, ये तीनों फॉर्मूला इससे यूज हो जाएगा, करो। हाँ बेटा बोलो, हाँ ठीक है, लिख दिया होगा तुमने 60 प्लस 8t² राइट, हाँ सॉरी 12t² सॉरी, नहीं लिखा ना, ठीक। अब देखो, अभी चूंकि आपने ये किया हुआ है तो मैं आपसे कुछ बातें पूछता हूं। एफ ऑफ टी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, डी बाई डी टी एफ प्राइम टी लिख रहा हूं, ठीक है? एफ प्राइम टी बोलने का क्या मतलब हुआ, यहां प्राइम साइन का सिंबल का क्या मतलब हुआ बोलो, क्योंकि ये यूज करूंगा सिंबल, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एफ प्राइम का मतलब ये हुआ। तो डी बाई डी टी ऑफ पूरे साइड, यहां देखो क्या लिखा मैंने, 3t² प्लस 4t। अब यहां से बाहर कर लो, d बाई डी टी ऑफ 3t² प्लस, ये यूज कर दी आइडेंटिटी, d बाई डी टी ऑफ 4t³। अब यहां से देखो 3 को बाहर निकाल लिया, ये वाली आइडेंटिटी यूज कर लो, हालांकि इसको ही प्रूफ कर सकते हैं चेन रूल से, कोई खास बात नहीं है। 3 d बाई डी टी ऑफ t² प्लस 4 d बाई डी टी ऑफ t³, ये कितना आएगा बोलाओ, बोलो कितना है, t की पावर स्क्वायर, यहां पे फॉर्मूले पे रख दो, क्या आ जाएगा 2t राइट? अरे यार यस और नो, तो ये कितना आ जाएगा 3 into 2t 60 प्लस 12 into t² क्या मेरी बात क्लियर है, सबको समझ में आ गया?
कितने लोगों का सही आ गया था आंसर इसका? ठीक है, सही है, शाबाश। अब देखो एक ये है, हाँ बेटा बोलो। ये के वाला अभी के लिए आइडेंटिटी है तुम्हारे लिए, कि अगर जैसे यहां पे 3 से मल्टीप्लाई किया था ना, तो 3 को बाहर निकाल लो और इसको टी स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर दो, क्योंकि टी फंक्शन का पार्ट है। तो किसी फंक्शन को अगर टी के से मल्टीप्लाई करते हो, अगर के इज ए नंबर, दैट नंबर कुड बी टेकन आउट फ्रॉम द डिफरेंशियल। बोलो क्लियर है? अब इस आइडेंटिटी को हम लोग बाद में प्रूफ करेंगे, कहोगे तो मैं प्रूफ भी करवा दूंगा, चिंता मत करो। बोलो क्लियर है? बाद में, लेकिन अभी रुक जाओ। बोलो क्लियर है? ओके, ये पहला एक फॉर्मूला ये। अच्छा, ये आइडेंटिटीज है, आइडेंटिटीज इधर लिखूंगा, फॉर्मूले इधर लिखूंगा। बोलो क्लियर है? आइडेंटिटीज इधर लिखूंगा, फॉर्मूले इधर लिखूंगा, ठीक है? आप अपनी कॉपी में जो भी फॉर्मूले, जो भी आइडेंटिटी आएगी उसको आप लोग हाईलाइट कर देंगे या फिर बॉक्स में बना देंगे। क्लियर है? जो मैं बोलूंगा कि जो रटना है आपको, ठीक है? अब देखो नेक्स्ट ऑफ, टेल मी व्हाट शुड बी डी बाई डी टी ऑफ ए कॉन्स्टेंट टर्म। कॉन्स्टेंट भी कुछ भी नंबर हो सकता था, कुछ भी, क्या होना चाहिए सिर्फ सोच के बोलो, या डी बाई डी एक्स ऑफ ए कॉन्स्टेंट। अभी एक्स मान, हाँ बोलो, जीरो, वाई जीरो भाई, कॉन्स्टेंट कभी बदल नहीं सकता, कॉन्स्टेंट कभी बदल नहीं सकता, यस और नो? कुछ भी x, हाँ, x की पावर जीरो इज ऑल्सो ए कॉन्स्टेंट, बट ठीक है, वैसे मत सोचो, और सम k नंबर से बाहर करोगे तो वो जीरो ही बन जाएगा, है कि नहीं? ओके, बट शाबाश, ये भी मतलब ठीक है, सोचने के लिए सोच सकते हैं, बट d बाई डी एक्स ऑफ ए कॉन्स्टेंट इज जीरो। बोलो क्लियर है? मतलब d बाई डी एक्स ऑफ 100, भाई 100 की वैल्यू तो बदल नहीं सकती, यस और नो? 100 आज भी 100 ही है, 10 मीटर के बाद भी 100 ही है, अगर 100 वैल्यू है तो, नहीं समझे मेरी बात को? सो दिस इज जीरो, सो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉन्स्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल इज जीरो। अच्छा, ये क्लियर है? ये क्लियर है? एक और करो ये, हाँ बेटा ये भी लिख लो, ये फॉर्मूला है, हाँ, कौन सा जीरो वाला पार्ट? ये बेटा, डिफरेंशिएशन जो होता है डी बाई डी एक्स, ये लिखा जाता है चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स। तो चेंज इन वाई, चेंज इन 100 अपॉन चेंज इन एक्स, डीएक्स इज चेंज इन एक्स। अभी जो मैंने डायग्राम बनाया था यहां पे, मैंने आपको, क्योंकि तुम एक लेक्चर पुराना वाला पढ़ा हुआ है, उस पर देख लेना जाके, वो इससे जस्ट पहले वाला देखना, ये वाई है, ये एक्स है, तो ये चेंज इन वाई, देखो फंक्शन चेंज कर रहा था, देख रही हो, यहां पे वैल्यू कुछ और यहां पे वैल्यू कुछ और है, दिख रहा है? बट अगर मान लो कि वो एक कॉन्स्टेंट टर्म था, तो कॉन्स्टेंट मतलब क्या होता है? समथिंग विच कैनॉट चेंज, यस और नो? इट हैज वैल्यू 100 एट एक्स टू, इट हैज वैल्यू 100 एट एक्स वन। नाउ दिस वैल्यू इज जीरो प्रैक्टिकली, बिकॉज देयर कुड नॉट बी एनी चेंज इन द फंक्शन, राइट? And that's why this whole term goes to zero, differentiation. Okay. Okay, all right. So this is the case. So differentiation of any constant is zero. Yeh formula number two aapka bana. Achha, main tumse ek cheez aur poochta hu. Chalo. Y is equal to likha gaya. Ek aur sawal kar raha hu. 3t square plus 4t. बोलो dy by dx क्या होगा? बोलो dy by dx क्या होगा? हाँ ठीक है, एक कर लो, हाँ, that has been done intentionally. ये वैल्यू आप डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो x के रिस्पेक्ट में, और ये वेरिएबल है टाइम t के रिस्पेक्ट में। बात समझ आ रही है? You have to check. हाँ, अगर ये, अगर कोई बच्चा लिख दिया 60 प्लस 40, ये गलत भाई, ये गलत सोच है, नहीं समझे बात को? नहीं समझे? मैं ये, कई लोगों ने लिख दिया था ना 60 प्लस 4, ईमानदारी पूर्वक बता रहा, कितने लोगों ने लिख दिया था 60 प्लस 4? सही से बताओ, ये 60 प्लस 4 लिख दिया था तुम लोगों ने ना, सही से बताओ बेटा, गलत सोच है,
इसलिए अभी कॉशियस कर रहा हूं, इसलिए सवाल लेकर आया। इनफैक्ट सबसे पहले यही कराता हूं मैं क्लास में। तो पहली बात है, हाँ, अगर मान लो लिख दिया गया कि t बराबर लेट सपोज 2x स्क्वायर, क्या आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? यस और नो? यस और नो? अब t को इससे पुट कर देंगे तब अच्छा सोच, ये डिफ्रेंशिएशन क्या होगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि t की क्या वैल्यू है। अगर t एक कांस्टेंट है तो ये डिफ्रेंशिएशन जीरो हो जाएगा, हाँ कि ना? ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हाउ टी वेरीज दिस एक्स। मुझे लगा नहीं आपको आया, मुझे लगा नहीं आपको आया, बोलो क्लियर है? अब बताओ क्या आंसर है। अब लिखना कि गलत है अपनी कॉपी में, लिख लेना कि यह गलत है अपनी कॉपी में, करो इसको डिफ्रेंशिएट। हाँ, अनडिफाइंड बोल देते हैं, मतलब ये सोच गलत है, नॉट मतलब वी नीड टी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है? हो गया, हो गया, कितना आया? सो वाई कुड बी रिटन एज टी जी की जगह पे 2x स्क्वायर पुट कर दो, इसका होल स्क्वायर प्लस 4 into 2x स्क्वायर, कितना आ गया बेटा? 3 into 4x4 plus 8x स्क्वायर। अब आप dy by dx निकाल सकते हो, dy by dx ये हो गया 12x की पावर 4 dy dx ऑफ, ऐसे ही कर दो क्या, प्लस dy dx ऑफ 8x स्क्वायर। अब आप जो भी पिछली बार बताया था 12 को यहां से बाहर निकालिए, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4x³ + 8 को बाहर निकालिए और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? अब ये आंसर सही है, डिपेंड्स कि हाउ टी वेरीज विथ एक्स, गॉट माय पॉइंट? बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? तो यू हैव टू बी केयरफुल कि किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, यू हैव टू बी केयरफुल। बोलो क्लियर? बाद में हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ेंगे, बट ठीक है। हाँ बेटा बोलो। हाँ, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? ठीक है, चेक कर लेना। ओके, सो दिस इज फॉर्मूला। सो ये अलजेब्रिक फंक्शन का फॉर्मूला था। देन आफ्टर ऑफ y is equal to sine x, sine x, तो sine x का डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं। सिंपली बात है, याद रखना है आपको dy by dx is equal to cos x। बोलो क्लियर है? याद रखना है dy by dx of sine x is cos x, ऐसे लिखते हैं d of, ऐसे लिखो d by dx of sine x is equal to cos x। अच्छा, यहां पर मान लो जैसा d by dx of sin t, तो क्या आप t का फंक्शन मांगते x के रिस्पेक्ट में? जो नीचे जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे उस, यहां पर फंक्शन उसी का होना चाहिए। नहीं समझे बात को? हाँ बेटा बोलो। dy क्या बोल रहे हो? dy, एक सेकंड, वही नहीं, अभी टी का फंक्शन हमें देना पड़ेगा, समझ रहे हो? टी का फंक्शन हमें देना पड़ेगा क्योंकि आप डिफाइन नहीं कर सकते इसको, समझ रहे हो? अभी चेन रूल में थोड़ा सा और समझाऊंगा कि क्या है, बट ठीक है अभी के लिए यह है कि अगर नीचे एक्स है तो यहां पे एक्स ही होना चाहिए। बोलो क्लियर है? ओके, अब देखो, अब आओ, ये हो गया। नेक्स्ट, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, ये क्या होता है? ये क्या होता है? माइनस साइन एक्स। अच्छा, एक फॉर्मूला और लिख रहा हूं, इधर आइडेंटिटी लिख रहा हूं, इसको कहते हैं चेन रूल, जो कि बहुत बार यूज होगा, चेन रूल कई बार यूज होगा
ये सब आइडेंटिटीज में लिख रहा हूं, ठीक है, और ये सब याद होने चाहिए। खैर ये तो बहुत मतलब इंट्यूटिव लगता है, बट ये चेन रूल का फॉर्मूला है जो आपको याद होना चाहिए। मान लो d बाई डी एक्स ऑफ दो फंक्शन आ गया, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स दो आ गया, क्या एक फंक्शन ये है दूसरा फंक्शन ये है? हाँ, तो इसका फॉर्मूला है याद रखना, क्या करते हैं, पहले साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करो, फिर सॉरी साइन एक्स को एज इट इज लिखो, कॉस एक्स को डिफ्रेंशिएट करो, फिर कॉस एक्स को एज इट इज लिखो, साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करो, और दोनों को जोड़ दो। समझ आ रही बात? तो फॉर्मूला कहता है कि d बाई डी एक्स ऑफ एफ वन एक्स इंटू एफ टू एक्स, ये दो फंक्शन इज इक्वल टू, हंसिका समझ में आ रहा है? तो अब नॉर्मल सी बात है, रटना ही है। देखो ऐसे लिखते हैं एफ वन एक्स एफ प्राइम एक्स, डिफ्रेंशिएट कर दिया। एफ प्राइम लिखने का मतलब क्या, एफ एक्स को एक्स से डिफ्रेंशिएट किया है, प्लस दूसरा टर्म f1 prime x plus into f2 x, मतलब क्या हुआ, एक फंक्शन को एज इट इज रखा, दूसरे को डिफ्रेंशिएट किया उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में जिसमें यह फंक्शन था, और दूसरा फंक्शन को एज इट इज रखा, उसके बाद वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किया। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? नई बात समझ आई? नई बात समझ आई? क्या बताइए, फॉर्मूला है यह फंक्शन, एक पहला फंक्शन है फर्स्ट फंक्शन जो कि x में वेरी कर, जैसे मैं एक एग्जांपल लूंगा तो तुमको समझ में आएगा अभी। जैसे मैं बात करूं तुमसे, मैं कहूं कि आप डिफ्रेंशिएट करो, एक फंक्शन मैंने दिया साइन x इंटू एक्स, समझ रही हो, या एक्स स्क्वायर्ड साइन x, ऐसा कोई फंक्शन दिया मैंने आपको, ठीक है? तो बेटा इसमें एक तो एक्स स्क्वायर है जो कि एक्स पे वेरी करेगा, राइट, और एक फंक्शन मतलब एक्सप्रेशन जो एक्स में था, और दूसरा साइन एक्स है। तो अगर हमें डिफ्रेंशिएट करना है तो फॉर्मूला क्या कहता है कि पहले फंक्शन को एज इट इज रखो और दूसरे फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करो, तो d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। बोलो फिर, प्लस प्लस जैसे था हमने रख दिया। फॉर्मूला क्या है कि अब पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करो d by dx ऑफ x स्क्वायर और दूसरे फंक्शन को एज इट इज रखो। क्या मेरी बात क्लियर है? अब देखो, अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा डिफरेंशिएट करके, x स्क्वायर d by dx ऑफ sin x, sin x का डिफरेंशिएट कहीं तो लिखा है cos x, प्लस d by dx ऑफ x स्क्वायर अभी दिखाया था x की पावर n, तो x की पावर का डिफरेंशिएशन कितना होता था n x की पावर n माइनस वन, बहुत यूज होगा टीएमटी में, तो बस यही से कई बार सवाल पूछे जाते हैं। तो n की वैल्यू यहां पे 2 है देखो, और x की पावर 2 माइनस वन, तो 2x आ गया, तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया 2x, और साइन x को एज इट इज मल्टीप्लाई कर दिया, ये डिफरेंशिएशन है dy बाई dx का। बात समझ आ रही है? ये वही फॉर्मूला यूज किया है यहां पे। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है सबको? ओके, अब डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया, एक चेन रूल का फॉर्मूला हो गया। अच्छा, बोलो क्लैरिटी है? आगे चले। ओके, नेक्स्ट दो फॉर्मूले और लिखते हैं, d by dx of tan x, d by dx of tan x, d by dx, अच्छा नहीं एक सेकंड रुक जाओ, अभी एक आइडेंटिटी और दिखाता हूं तभी ये और होगा। d by dx of, ये तो दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हुए ना, बोलो क्लियर है? ये आइडेंटिटीज अलग लिखोगे और ये फॉर्मूले फंक्शंस के डिफरेंशियल्स अलग अलग लिखोगे, ये आइडेंटिटीज में लिख रहा हूं सारे, इसको मिटा दो। ओके, d बाई डी एक्स ऑफ एफ वन एक्स बाई एफ टू एक्स, ये फॉर्मूला भी कई बार यूज होगा, कई बार यूज होगा ये फॉर्मूला भी, एफ वन एक्स बाई एफ टू एक्स,
करना क्या है, अगेन फॉर्मूला याद रखना है, f2x का होल स्क्वायर, नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर। अब देखो करना क्या है, ऊपर लिखो f2x जो ये नीचे वाला फंक्शन था, इसको ऊपर लिखो और इसको डिफरेंशिएट करो इनटू f1 प्राइम x। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है, माइनस f1x इनटू f2 प्राइम x। ये फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना है, d/dx यही फॉर्मूला है। बोलो क्लियर है, हाँ। नाउ ट्राई टू फाइंड आउट इसको यूज करके d/dx ऑफ tan x निकालो, d/dx ऑफ tan x निकालो, कोशिश करो। sec square x इज द करेक्ट आंसर। देखो मैं यहीं पे लिख रहा हूं, देखो जिनसे नहीं हुआ, tan x को क्या लिख सकते हैं, sin x ओवर cos x। बोलो क्लियर है, तो क्या बताया मैंने कि नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, तो cos x का होल स्क्वायर आ गया, cos स्क्वायर x। ऊपर देखो f2x को एज इट इज लिखा, मतलब cos x को एज इट इज लिख दिया, cos x को एज इट इज लिख दिया, और इसको डिफरेंशिएट करना था f प्राइम x, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या सिखा है, cos x माइनस। अब क्या करना है, f1x मतलब sin x को एज इट इज रखना था, और क्या करना था, f2 प्राइम x मतलब cos x को डिफरेंशिएट, f2 प्राइम मतलब f2 कौन था, नीचे वाला फंक्शन, इसको डिफरेंशिएट करना था, तो cos x को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस टाइम्स sin x। तो ये क्या आ जाएगा, cos x प्लस sin स्क्वायर x 1 अपॉन cos स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। क्या यहां पे तुमने cos x को डिवाइड कर दिया क्या, पूरा दोनों को अलग अलग कर दिया क्या, क्या नाम है, ठीक है, sin square x plus cos square x you could use one ना, खुशी आपको समझ में आया, पक्का सोच ले, ओके वेरी गुड, ओके तो ये फॉर्मूले पे यूज करते हैं, sec x tan x आ गया। चलो अब तुम लोग करोगे d/dx ऑफ cot x, बताओ क्या होगा, कोशिश करो, करोगे cos x ओवर sin x लिखोगे इसको, d/dx ऑफ सिंपल नीचे sin स्क्वायर x cos x sin x इंटू cos x का डिफरेंशिएशन, ऊपर वाले को पहले डिफरेंशिएट करते, याद रखना ऊपर वाले को पहले डिफरेंशिएट करेंगे, तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x है ना, माइनस ऑफ cos x इंटू sin x का डिफरेंशिएशन कितना, cos x, तो यहां से माइनस 1 बाई sin स्क्वायर x इज इक्वल टू माइनस cos x स्क्वायर x। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है, sec x का निकालो, sec x का निकालो, ये sec x इंटू tan x आएगा, sec x इंटू tan x आएगा, करो 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 निकालो, प्रूफ करो, क्या 1/cos x लिख सकते हो, क्या 1/cos x लिख सकते हो, देखो तो d/dx ऑफ 1 अपॉन cos x, अब फॉर्मूला लगा दो, और भी कई तरीके हैं बट अभी आप यही सीखे हो, cos स्क्वायर x cos x, बोलो 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0, शाबाश 1 का डिफरेंशिएशन हो गया 0, माइनस क्या हो जाएगा 1 इंटू cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, है ना, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं बट आपको स्कूल वगैरह में आए तो d/dx ऑफ cos x लिखना है, ठीक है, उसके बाद cos x को माइनस sin x लिखना है थोड़ा सही तरीके से। अब ये क्या हो गया, देखो sin x ओवर cos स्क्वायर x, इसको लिख सकते हैं क्या, sin x ओवर cos x
into 1 upon cos x is sec x. So this is equal to sec x over into tan x. बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? ओके, तो कौन सा बच, एक कोसेक एक्स बच गया, इसका आएगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स. करो ट्राई, करो करो ट्राई करो. आ गया? हाँ. क्या dy by dx could be written as 1 over dx by dy? लिख सकते हैं ये भी, मतलब ठीक है, इसको यूज करेंगे कैसे अभी बता रहा हूं. मैंने कहा आपको कि फाइंड आउट द डिफरेंशिएशन ऑफ d by dx ऑफ साइन इनवर्स x. हो सकता है ना, हो सकता है ना. अब लेट मी डू इट फॉर यू. एक मैं करता हूं, अगला आप लोग करना. तो देखो, हमें पता है कि हमें पास, हमारे पास तो साइन x का फॉर्मूला था, हमारे पास साइन इनवर्स x का तो कोई फॉर्मूला है नहीं अब इसको करने के लिए, बट हमारे पास साइन x का फॉर्मूला है. तो देखो, हमारे पास जो ये फंक्शन दिया है, क्या y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x दिया हुआ है? यस और नो? तो बेटा एक बात मेरे को बताओ कि क्या x इज इक्वल टू मैं साइन y लिख सकता हूं? यही तो होता था ना, x इज इक्वल टू, याद करो साइन y इज इक्वल टू, कोई भी वैल्यू मान लो 1 बाई टू आती थी, तो y इज इक्वल टू लिखते थे ना साइन इनवर्स 1 बाई टू. वही काम किया, 1 बाई टू इज इक्वल टू साइन y. बोलो क्लियर है? अब देखिए यहां से, अब आप निकालो dx by dy, क्या बना, क्या बना, क्या बना? dx by dy cos y. अब तो डिफरेंशिएट कर सकते हैं ना. अरे यार, अब वो वाली आइडेंटिटी देखो, dy by dx इज इक्वल टू क्या 1 अपॉन cos y हो जाएगा? नहीं समझे बात को, dy by dx इज इक्वल टू 1 अपॉन dx by dy ना. अब देखिए यहां से, इस वाले आइडेंटिटी को देखो बेटा, साइन y की वैल्यू x दी है, तो याद करो मैंने बताया था ट्रायंगल से आपको पता होना चाहिए साइन y की वैल्यू x. तो अगर ये x है, हाइपोटेनियस 1 है, तो ये वाली वैल्यू कितनी है? वैसे भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पे देखो साइन y की वैल्यू x है, वैसे भी cos y की वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रही थी. So, cos y is equal to under root of 1 minus x square. आप चाहो तो sin square y plus cos square y is equal to 1 लिख सकते थे. नहीं समझे बात को? हाँ, जैसे करना है करो. नहीं समझे बात को आप? अरे यार, नहीं समझे आप मेरी बात को, या बात समझ पा रहे हो मेरी? हाँ, समझ आ रहा है? हाँ, बोल बेटा. ये वाला चीज, अरे यार, ये समझ में आ गया? साइन एक्स, तुम ये टेंथ पे करो, साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो पी बाई एच होती है ना रेशियो में. तो ये पी देखो वन है, सॉरी पी एक्स है और एच वन है, एक ये चीज है. और दूसरा देखो, ऐसे भी कर सकते थे, साइन एक्स साइन स्क्वायर्ड एक्स प्लस कॉस स्क्वायर्ड एक्स की वैल्यू वन होती कि नहीं होती है? तो बेटा कॉस एक्स की वैल्यू कितनी आई? वन माइनस साइन स्क्वायर्ड एक्स अंडर रूट है कि नहीं? मेरे पास साइन वाई की वैल्यू एक्स है, तो कॉस वाई की वैल्यू वैसे भी 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट. अब इसको पुट कर दो यहां पे. सो व्हाट इज डीवाई बाई डी एक्स? 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. बोलो समझे हो? बोलो समझे हो? सबको बोलो समझे हो? ये भी फॉर्मूला लिखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, ये फॉर्मूला लिखो साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला ये होता है. कॉस इनवर्स एक्स तुम लोग खुद से प्रूफ करो बेटा, कॉस इनवर्स एक्स खुद से प्रूफ करो. डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स,
ये आएगा माइनस ऑफ वन अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो, हो जाना चाहिए। हाँ एंगल ही होता है, बट वो एंगल एक्स पर डिपेंड करता है, वो कॉन्स्टेंट थोड़े है एंगल। जो तू बोल रहा मैं समझ गया था, एंगल एक नंबर है, बट दैट नंबर कुड बी एनीथिंग। इन फैक्ट टी स्क्वायर प्लस फाइव टी समथिंग लाइक दिस फंक्शन, दिस कैन गिव यू ए नंबर ना, बट दैट विल डिपेंड ऑन टी, राइट। नंबर का मतलब कॉन्स्टेंट थोड़े होता है, हाँ गिवेन नंबर का मतलब कॉन्स्टेंट होता है, हंड्रेड मतलब कॉन्स्टेंट। बट अगर 100 को मैं बोलूं 50t इंटू टू, सॉरी मैं अगर 100 को ऐसे लिख दूं 50 इंटू टी वेयर टी इज माई टू, तब ये कॉन्स्टेंट थोड़े हुआ। टी को वैल्यू कर दोगे 100 की जगह कुछ और आ जाएगा। बोलो आ गया, बोलो आ गया, आ गया। क्या करोगे फिर से वही तरीका, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, सो x इज इक्वल टू कॉस y, इसलिए मैंने वो ट्रायंगल सिखाया था तुम लोगों को, ठीक है। अब देखो एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एंगल अगर y है ये वाला, तो देखो ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है 1, तो ये अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर है। वैसे भी समझ में आ रहा है कि cos y इज इक्वल टू साइन y, अभी लिखूंगा तो 1 माइनस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर हो जाएगा। So, dx by dy is equal to 1 over cos y, चूंकि हमें x के रिस्पेक्ट में फंक्शन था तो हमें x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशियल चाहिए। सो आई वॉन्ट dy by dx विच इज इक्वल टू dx by dy इज इक्वल टू माइनस साइन y, सो dy by dx इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन साइन y। अब चूंकि x में फंक्शन था तो मुझे x में ही रखना है, तो हमें साइन y को हमें x के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। So this is equal to 1 upon under root of 1 minus x square. Clear है सबको? वही basic, वही same explanation जो पिछली बार दिया था, वही same explanation जो पिछली बार दिया था। Okay, और आओ देखो tan inverse x, tan inverse x करो, tan inverse x। अब मैं answer नहीं बताऊंगा, तुम्हें खुद निकालना है answer। tan inverse x निकालो, tan inverse x निकालो, कितना निकालो। क्या करोगे, y is equal to tan inverse x, x is equal to tan y, dx over dy is equal to tan x का भी डिफरेंशिएशन सिखाया था, क्या आता था tan y का, देखो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, यहां भी y ही है, तो dx by dy क्या हो जाएगा, बोलो sec squared y, and dy by dx is equal to cos squared y, समझ रहे हो, समझ रहे हो, हाँ। अब सोचो, वैसे भी चाहो तो tan square x plus sec square x is equal to 1 से भी वैल्यू लिख सकते थे, बट मैं चाहता हूं कि आप हमेशा ऐसे केसेस को ट्रायंगल से लिखें। देखो tan y, अगर ये एंगल y है तो ये परपेंडिकुलर है और x हमारा बेस है, तो ये बन गया आपका 1 plus x squared। अब इस ट्रायंगल में बताओ cos y की वैल्यू कितनी होगी, देख के बोलो, क्या बेस अपॉन हाइपोटेनियस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पुट कर दो यहां पे, तो कॉस स्क्वायर वाई की वैल्यू, कॉस वाई की वैल्यू कितनी हो गई, 1 अपॉन इसका स्क्वायर कर दे रहा हूं, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये होता है डिफरेंशिएशन, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स। सबको क्लियर है, सबको क्लियर है, कितने लोग आ गया था, कितने लोग आ गया था मेरे कहने से पहले, गुड जॉब, गुड जॉब। डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स के बाद कौन सा आएगा पूछूंगा आपसे, कॉट इनवर्स एक्स, करो करो करो, यही आएगा,
यही आएगा, हो जाएगा, आ गया जल्दी रफ्तार में। हो गया फिर से वही तरीका, cot इनवर्स x इज इक्वल टू वाई, एक्स इज इक्वल टू cot ऑफ वाई, dx ओवर dy हम लिख सकते हैं, बार बार इस पे इम्फेसिस कर रहा हूं। तो cot x का डिफरेंशियल कितना बताया था, माइनस cos x स्क्वायर्ड वाई, है ना। अब यहां पे देखो एक ऐसा ट्रायंगल जिसका cot y b बाई p होता है, तो ये y अगर है तो ये बेस हो गया जो कि मेरा x हो गया, p मेरा 1 हो गया, ये हो गया अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर्ड। अब हमें क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स, सो dy बाई डी एक्स इज माइनस 1 अपॉन कोस एक्स स्क्वायर वाई विच इज साइन स्क्वायर्ड वाई विद माइनस साइन। नाउ व्हाट इज साइन स्क्वायर्ड वाई, यहां से व्हाट इज साइन वाई, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सबका सही था, सबका सही था, सबका सही था। sec inverse y करो, करो सबको ट्राई, sec inverse y सबको करो ट्राई, sec inverse y 1 अपॉन x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा। sec inverse x का फॉर्मूला जो होता है 1 अपॉन x अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1, चेक करो। अच्छा देखना एक जगह, जहां जहां जो जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सी से स्टार्ट होते हैं ना, सी से देखो उन सबका डिफरेंशियल नेगेटिव आता है, याद रखने का तरीका है, अगर नेगेटिव में अगर कंफ्यूज करो तो। बोलो क्लियर है, कॉस का, कोसेक का, कॉट का, कॉस इनवर्स एक्स का, कॉट इनवर्स एक्स का, कोसेक इनवर्स एक्स का, नेगेटिव आएगा, समझ रहे हो, माइनस साइन रहेगा उन सब में। बोलो हाँ, जिनमें सी, जो सी से स्टार्ट होते हैं, देखो सेक इनवर्स एक्स का y इज इक्वल टू sec इनवर्स x, क्योंकि हम dy बाई डी एक्स लिख रहे हैं, हमने y का फंक्शन, इस पूरे फंक्शन को ये मान लिया, बार बार समझा रहा हूं एक ही चीज ताकि दिमाग में बैठ जाए कैसे काम करेंगे हम लोग। तो x इज इक्वल टू sec y dx ओवर dy, sec y इंटू tan y, ना यही होता था ना फॉर्मूला। अब यहां से देखो हमें क्या क्या चाहिए, sec y चाहिए और tan y, सॉरी dy बाई डी एक्स, हमें क्या चाहिए, sec y चाहिए और tan y चाहिए, ठीक है। आप चाहो, अच्छा आप ऐसे लिख दो, sec y की जगह पे आप cos y लिख दो और tan y की जगह पे आप cot y लिख दो। अब देखो यहां से क्या आएगा बेटा, यहां देखो y, sec y की वैल्यू x, sec y होती किसके बराबर है, h by b के बराबर, तो h की वैल्यू है x, b की वैल्यू है 1, यहां पे 1 है, और ये वाली वैल्यू हो गई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर्ड माइनस 1। अब बस यहां पे पुट करना है, व्हाट इज कॉस वाई, 1 बाई एक्स, व्हाट इज कॉट वाई, व्हाट इज कॉट वाई, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। बोलो क्लियर है सबको, बोलो क्लियर है सबको, हाँ ज्यादा ज्यादा मतलब करने में सही लग रहा है, थोड़ा सा आपको बस मैथमेटिक्स के साथ रूबरू कर रहा हूं, ऐसा मैं सारे फॉर्मूले ऐसे भी लिख सकता था, बट मैं चाहता हूं कि आप डिराइव कर ले इस बार, ताकि आपको समझ में आए कर क्या रहे हैं। बोलो क्लियर है, d by dx of cosec inverse y, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, कर ले ट्राई, 1 अपॉन x अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। बोलो क्लियर है, हाँ चलो अब देखो नेक्स्ट, मिटा दो बेटा, मिटा दो बेटा, ओके चलो तो ये सारे sec इनवर्स x बेटा, cosec इनवर्स x। अब देखो इधर आओ, एक फंक्शन ऐसा डिफाइन किया गया है e की पावर x, समझना, लिख लो कि जिसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, हमने इस फंक्शन को डिफाइन ही ऐसे किया है कि इसका डिफरेंशिएशन जो होता है ना वो फंक्शन के बराबर होता है,
समझ रहे हो, समझ रहे हो, मतलब इसका डिफरेंशिएशन e की पावर x के बराबर होता है। अभी के लिए ये बात समझ में आ रही है ना, हमने एक ऐसा फंक्शन पकड़ा है जिसका डिफरेंशिएशन फंक्शन के ही बराबर। अब इसको फिजिकली फील करो, क्यों e की पावर x बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, इसको फिजिकली फील करो। हालांकि मैं इसका एक्सपेंशन से भी इसको करा सकता हूं प्रूफ, मतलब फील करा सकता हूं, बट मैं चाहता हूं कि आप इसको फील करें। जैसे मान लेते हैं, लेट सपोज थोड़ी देर के लिए कि मेरे पास एक फंक्शन था वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, व्हाट डज डी वाई बाई डी एक्स रिप्रेजेंट। लेट सपोज यहां पे लेट सपोज वाई पे मेरा पोजीशन था और एक्स पे मेरा टाइम था, लेट सपोज थोड़ी देर के लिए, तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा डीएक्स बाई डी टी। नाउ दिस रिप्रेजेंट्स हाउ फास्ट एक्स चेंजेस विद टाइम, यही बता रहा है ना, चेंज इन एक्स अपॉन चेंज इन टाइम, राइट। सोच बेटा कि ये इसकी वैल्यू मैंने कह दी कि मेरा कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन था ई की पावर टी टाइप। तो एक्स, अगर एक्स मेरा ई की पावर टी था तो क्या ये भी ई की पावर टी हो गया? हाँ ना, बोल, यस और नो। नाउ व्हाट डज दिस मीन फिजिकली, कि जितनी तेजी से मेरा फंक्शन चेंज होगा क्या उतनी ही तेजी से मेरा स्लोप भी तेज चेंज हो रहा है? दिस ओनली मीन्स कि क्या फंक्शन के चेंज होने की रफ्तार बहुत खतरनाक होगी। हाँ, जैसे मान लो कि, जैसे समझो, जैसे मैंने कहा कि एक्स स्क्वायर्ड फंक्शन है, तो ये 2x इसका डिफरेंशिएशन आया। ये फंक्शन जो है, मेरी बात को समझना, कि एक सेकेंड, व्हाट इज दिस थिंग d by dx ऑफ x स्क्वायर, व्हाट इज दिस थिंग, हाउ फास्ट द फंक्शन इज चेंजिंग, राइट। This is how fast the function is changing. D by dx of x squared. How fast the function is changing. Complete term. X squared is the function. जैसे जैसे function change होगा, ये क्या बता रहा है, मतलब how fast the function is changing, right? ये है कि ये function क्या है किसी भी time पे, और ये क्या है कि उस टाइम पे फंक्शन कितनी तेजी से बदल रहा था, राइट। नाउ ई के पावर एक्स एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें फंक्शन के बदलने की रफ्तार फंक्शन के ही बराबर होता है। अगर फंक्शन तेजी से चेंज हो रहा है तो ई की पावर एक्स भी उसी रफ्तार से तेज चेंज होता है, एंड हेंस ई की पावर एक्स, कभी आपने समझा लिखा होगा कि देयर इज एन एक्सपोनेंशियल राइज, नाम सुना है, वर्ड भी यूज करते हैं। व्हाई इट इज एक्सपोनेंशियल राइज, बिकॉज द रेट ऑफ चेंज ऑफ सच फंक्शन इज टू हाई, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन हाउ द फंक्शन इज। समझ पा रहे हो बात को? समझ, फंक्शन के बदलने की जो रफ्तार है ना, वो फंक्शन के ही बराबर है। नहीं समझे बात को? सो दिस इज डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, ये मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स, नेचुरल लॉगरिदम, ये है 1 बाई एक्स के बराबर होता है। ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको याद करना पड़ेगा। समथिंग टू द पावर एक्स विल ऑल, मतलब e की पावर x, सम e इज ए नंबर, समथिंग टू द पावर x वो हमेशा बहुत तेजी से राइज करता है, हमेशा ऐसा होगा, बहुत तेजी से राइज करेगा। तो कभी भी मान लो कि इस तरह का दिया रहेगा x स्क्वायर्ड प्लस e की पावर x, तो x स्क्वायर्ड तो धीरे धीरे बढ़ेगा बट e की पावर x बहुत तेजी से बढ़ेगा। समझ रहे हो बात को? तो ये दिस विल ऑलवेज डोमिनेट दिस। खैर, सो दिस वर द बेसिक फॉर्मूले फॉर डिफरेंशिएशन। सो नेक्स्ट वी हैव टू डू चेन रूल, विच वी विल डू एज वी विल गो अलॉन्ग।